हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले कंप्यूटर के लेक्चर में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कुछ चीज़ें हैं जो कि पिछले ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में और कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके जो मेमोरी से रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके डिटेल सिलेबस में जो है गिवन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रह जाते हैं। और सिमिलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेज में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ नया नहीं करेंगे, पुरानी ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा और जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलिवेंट तरीके से और थोड़ा डीपली जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना जो मेमोरी से रिलेटेड चीजें हैं वो कवर करते हैं। तो मेमोरी में हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो उसी के अंदर जो है कुछ चीजें हैं वो हम कवर करेंगे। तो लोकेशन जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कैपेसिटी है वो पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे, एक्सेस मेथड क्या है, परफॉर्मेंस कैसे है, फिजिकल टाइप की कितने तरह की होती है फिजिकली और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है। तो इन चीजों को जो है हम डिटेल में आज कवर करेंगे। तो अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है आपका जो है मेमोरी की जो विड्थ है, बैंडविड्थ है, या मेमोरी के जो साइजेस हैं उनको किस तरह से समझा जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा जिस तरह से अगर मैं बात करूं एक बाइट से स्टार्ट करूं तो जो हमारा जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है, उसके बाद हमारा किलो बाइट आ जाता है जिसके अंदर 1024 बाइट्स जो होते हैं वो होते हैं, उसके बाद एक मेगा बाइट आ जाता है जिसके अंदर 1024 किलो बाइट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो जो पिछली वाली उसकी यूनिट है उसको जब हम 1024 गुना कर देंगे तो वो हमारी अगली जो बाइट है वो बन जाएगी। जैसे जो जीबी है उसके अंदर 1024 एमबी होते हैं, जो टीबी है उसके अंदर 1024 जीबी होते हैं। तो ये हमारी जो है एक मेमोरी हायरार्की बन जाती है। हम जो यूनिट्स हैं जैसे एमबी, केबी, जीबी, टीबी और जो उसके आगे आते हैं पेटाबाइट, एक्सबाइट, जेटाबाइट, यटाबाइट, इन सबको जो है इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कि जो हायरार्की है वो किस तरह से जो है फास्टेस्ट टू लोवेस्ट और उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये चीज आती है वो है सीपीयू रजिस्टर्स। जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी होती है जिसको L1 L2 कैश भी कह सकते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट कंसीडर की जाती है। इससे ज्यादा तेज आज के टाइम में कोई मेमोरी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो वही चीज है सीपीयू रजिस्टर्स, यानी कि सीपीयू के अंदर ही एक तरह से जो हमने एक डायग्राम देखा था सीपीयू का उसके अंदर ये रजिस्टर्स होते हैं। तो इसकी अपनी एक छोटी बहुत मेमोरी होती है जैसे 6 MB, 12 MB, 36 MB या कुछ और, डिपेंडिंग आपका जो है सीपीयू वो किस लेवल का है। जैसे अगर आप छोटे सीपीयू लेंगे जैसे i3 हो गए और i5 हो गए तो उसके अंदर आपको 6 से 12 MB का जो है कैश साइज या रजिस्टर साइज मिल सकता है। और जो आप उससे बड़े लेंगे जैसे i7s हैं, i9s हैं, या AMD में जो Ryzen 5 हैं, Ryzen 7s हैं, उस तरह में आपको जो है 32 MB तक का साइज देखने को मिल जाएगा। और जो सीपीयू होते हैं वो अपने आप में महंगे भी होते हैं, तो इसलिए जितना छोटा साइज होगा और जितना फास्ट होगा उतना ही चीज, उतना ही मेमोरी जो आपकी महंगी होती जाएगी। उसके बाद आता है हमारा कैश मेमोरी, दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा कैश मेमोरी होता है। फिर मेन मेमोरी आ जाता है, मेन मेमोरी में हमारा मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप यानी हार्ड ड्राइव वगैरह वो चीजें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो जो स्पीड है वो स्लो होती जाएगी और रेट्स भी जो है वो कम होते जाएंगे। तो रजिस्टर सबसे महंगे आएंगे, कैश मेमोरी उसके बाद महंगी आएगी, और जो जो स्लोएस्ट चीजें हैं जैसे हार्ड ड्राइव्स हैं वो सबसे सस्ती आएंगी। जो सीडीज वगैरह है वो आप देखेंगे 10-10 रुपए में आपको मिल जाती है, और लेकिन और जो इनका प्राइस है वो भी कम होता जाता है और जो साइज है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे 1 TB की अगर मैं हार्ड ड्राइव की बात करूं वो मिल जाएगी आपको 3500 रुपए तक की, और अगर मान लीजिए मैं वो इसी में थोड़ा सा जो है अगर स्पीड बढ़ा दूं यानी कि 3500 रुपए में की ही बात करूं तो इसके अंदर आपको सिर्फ जो है 250 GB जो है वो आपको SSD मिलेगी, और आपका जो CPU प्रोसेसर होते हैं वो तो आते ही हैं फिर 10-15-20-30 हज़ार तक के, वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद टाइप ऑफ मेमोरी हमने डिस्कस कर ही रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद जो है हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है रैम और रोम। तो रैम के जो है कुछ टाइप्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो प्राइमरीली जो है रैम दो तरह की आती है हमारी, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करती है जब तक पावर सप्लाई उसको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि स्टैटिक रैम रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन, वेयर एज अ डायनेमिक रैम लूजेज इट्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो डायनेमिक रैम होती है वो चाहे पावर रहे या ना रहे वो बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम में यानी मिली सेकंड्स के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को यूज करती है और उसको वहां से हटा देती है। लेकिन स्टैटिक रैम जो होती है वो अपने अंदर इन्फॉर्मेशन तब तक रखती है चाहे उसका यूज हो ना हो, जब तक उसके अंदर पावर जो है सप्लाई हो रही, यानी कि जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहेगा तो कोई चीज जो है वो, जैसे आपका जो टेम्परेरी फोल्डर है अगर आपने देखा हो विंडोज आर करते हैं तो टेम्प लिखते हैं कभी कभार या %temp% लिखते हैं ताकि हमारी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो डिलीट की जा सकते, वो स्टैटिक रैम का पार्ट बन जाती है। उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आती है, डायनेमिक रैम और SRAM।
उसके बाद जो ये एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं ये आपको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो है रीड ओनली मेमोरी आ जाता है, ये भी हमने कर लिया था। अब हमें करने हैं इसके टाइप्स कितने कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ एक बार जो है आप प्रोग्राम कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो परमानेंटली इंफॉर्मेशन को रिटेन करेगा, उसको आप रीराइट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल पीरोम सॉरी रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद ईईपी रोम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल आपकी रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी। तो ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये दिया गया है ईईपी रोम जो है वो एक फ्लैश मेमोरी के द्वारा यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपकी चीजें हैं जो हमें करनी थी वो हमने जो है कर ली है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फ्लैश फ्लॉपी डिस्क जिप डिस्क, ये आजकल आती नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं आती है, जिप डिस्क भी नहीं आती है। इनफैक्ट आजकल तो सीडी डीवीडी का भी जो है जमाना जा चुका है। अब आते हैं हमारे जिस तरह से माइक्रो डिवाइसेस हो गए या ये एसडी कार्ड्स हो गए, उस तरह की चीजें जो है हमें अवेलेबल कराई जाती हैं, पेन ड्राइव्स आपके आते हैं अभी, तो वो चीजें। उसके बाद आपके हार्ड ड्राइव्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो बन जाते हैं, ये कुछ और चीजें हैं जो ये आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बाकी ये आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने को, वो है नेटवर्किंग से रिलेटेड। तो आइए जरा नेटवर्किंग में जो है जो हमने लैंड मैन और वैन पढ़ा था उनको थोड़ा और जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये कम्युनिकेशन वगैरह ये सब हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क को दोबारा से एक बार। तो जो नेटवर्क है वो हो सकते हैं लैन, डब्ल्यू लैन यानी वायरलेस लोकल एरिया। देखिए लैन जो है आपने पढ़ा था वो कोएक्सियल केबल या इथरनेट केबल्स के थ्रू जो है कनेक्टेड होता है, लेकिन वही चीज जब एक वाईफाई यानी आपके जो वायरलेस इंटरनेट है उसके तो तरीके से अगर कनेक्ट किया जाए तो वही लैन जो है वायरलेस बन जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क हमने कवर कर लिया था, मैन भी हमने कवर कर लिया था। उसके बाद आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क यानी ये कॉलेज कैंपस है, एक स्कूल कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसका जो इंटरनल नेटवर्क है वो कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। फिर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी एक पर्टिकुलर इंसान जैसे मेरा नेटवर्क है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। फिर आता है डेस्क एरिया नेटवर्क जो एक पर्टिकुलर डेस्क पे जो चीजें हैं उसको आपस में कनेक्ट कर देता है, जैसे प्रिंटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, वो सब चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। तो यहाँ पर लैन दिया गया है, लैन हमने डिस्कस कर लिया था, वैन भी हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद जो है इस तरह की जो चीजें हैं आपकी आ जाती हैं, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क भी हमने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आता है इंटरनेट हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अंदर जो है द टर्म डब्ल्यू 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 रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली द वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द पब्लिक वेबसाइट कनेक्टेड टू द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द क्लाइंट डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स दैट एक्सेस वेब कंटेंट। तो जो भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो डब्ल्यू 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 का जो है एक पार्ट बन जाता है। तो ये तीन चीजों पर जो है वो बेस्ड है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये कैसी मशीन लैंग्वेज होती है जिससे हमारा जो है इंटरनेट लिखा जाता है। उसके बाद HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसके जरिए इंटरनेट को ट्रांसफर किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के द्वारा। उसके बाद वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स यानी कि जो लोग वेब को जो है सर्व करते हैं और वेब ब्राउजर्स जिसके थ्रू आप वेब को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, आपका क्रोम हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव ब्राउजर हो गया और ओपरा वगैरह, इस तरह की चीजें जो है वो इसमें आ जाती है। HTML को बताया गया है, HTTP को बताया गया है, वेब ब्राउजर जो है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ जो है डिस्कस की गई हैं, तो वो आपको पता ही है, वेब पेजेस को लोड करना है, ब्लॉग्स लिखना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ईमेल भेजना है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब जैसे व्हाट्सएप कॉल वगैरह हो गई या इंटरनेट कॉल्स, टेलीग्राम कॉल्स हो गई, उस तरह की जो चीजें हैं वो इसके अंदर आती हैं। इंटरनेट रिले चैट यानी IRC मतलब इंटरनेट के थ्रू जो रियल टाइम चैट है व्हाट्सएप वगैरह ये यूज करती है। उसके बाद हमारा ईमेल आ जाता है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज मोस्ट पॉपुलर सर्विस और फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट थ्रू विच वी कैन इलेक्ट्रॉनिकली सेंड एंड रिसीव मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कोई एक ऐसा मेल सर्विस, एक ऐसा पोस्टल सर्विस जिसमें हम पूरी दुनिया भर में जो है मेल भेज सकते हैं और वो भी बड़े स्पीडली, यानी कि मैंने यहाँ से एंटर दबाया और वहां पर उस बंदे को जो है मेल रिसीव हो गया, इंस्टेंट। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है जहां पर आपको एक सिंपल पोस्ट भेजने के लिए भी एक एक हफ्ता जो है वेट करना पड़ता है। तो ईमेल एड्रेस का कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह रहता है, आपका नाम @ जो डोमेन नेम है जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, उस तरह के जो है डोमेन नेम यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आता है ईमेल अटैचमेंट की, ईमेल में जो अटैचमेंट्स होती हैं जैसे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट है, आप अपना कोई फाइल है, आप कोई फोटो है, PDF है, उस तरह की जो चीजें हैं वो आप ईमेल में अटैच कर सकते हैं अप टू अ स्पेसिफिक, जैसे जीमेल की जो लिमिट है वो 25 MB की है, एक मेल में आप 25 MB तक की जो है फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं।
यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि ये प्राइवेट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, कोई भी जो है इसको पढ़ सकता है। योर कॉन्फिडेंशियल मैसेज रेड बाय समवन सच एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जब एक लैन की बात होती है जहाँ पर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जहाँ पर उसका आपके जो सारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसके पर एक्सेस होता है, तो वो आपके जो है मेल्स पढ़ सकता है, तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग एंड सर्च इंजन, जैसे गूगल हमारा एक सर्च इंजन है जो वेब ब्राउजर के अंदर वेब को एक्सेस करने का हमें वो देता है, एक मौका देता है, वो हमारा सर्च इंजन होता है जिसपे आप चीजें एक्चुअली में सर्च कर रहे होते हैं। जैसे गूगल है, बिंग है, डक डक गो है, याहू है, वो सब हमारे सर्च इंजन होते हैं। उसके बाद हमारा डोमेन नेम सिस्टम आ जाता है जो है DNS, जिसको बोलते हैं इज अ ग्लोबल डेटाबेस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम सच एज www.mduroahtak.ac.in इनटू इंटरनेट एड्रेसेस दैट आर यूज्ड बाय कंप्यूटर टू टॉक टू ईच अदर। तो ये किस तरह का जो है डोमेन नेम है, किस तरह का नाम है जो ग्लोबली आपके डेटाबेस को पब्लिश करता है, ताकि आप जो है आपस में एक दूसरे से जो है इंटरनेट के थ्रू इस एड्रेस पर जाकर कम्युनिकेट कर सकें। तो ये कुछ हैं, जैसे .com है यानी कि जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं उनके लिए है, .edu है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए, .gov जैसे covin.gov.in यानी कि जो कोविड वैक्सीन अगर आपको लगवानी है, या कोई और इस तरह की गवर्नमेंट वेबसाइट है जैसे अपनी NIA.gov.in है, या आपकी कोई भी है इसरो है, उस तरह की जो चीजें हैं जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका उनके ऊपर .gov.in जो है लग जाता है। अगर इंडिया की है तो .gov.in लगता है, फॉरेन की है तो उनका जो है, जैसे कोई चीज है जैसे मान लीजिए USA है, वहां पर CIA है, या कोई और है, वहां की जो इन्फॉर्मेशन एजेंसीज है वहां पर जो है .gov.us लग जाएगा, कोई UK का है तो .UK लग जाएगा, तो वो चीजें, और .net। और ये है अपना जैसे IN है इंडिया, AU है ऑस्ट्रेलिया, UK है यूनाइटेड किंगडम्स, और US है यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस जो अपना वाईफाई होता है उसको बोलते हैं, मोबाइल इंटरनेट जो आपका मोबाइल्स में सिम्स के थ्रू चलता है। उसके बाद आता है हॉटस्पॉट, यानी कि मैं अगर अपने हॉटस्पॉट को, ये भी एक वाईफाई का ही तरीका है, मैं अपने सेलुलर नेटवर्क को आपसे शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद डायलअप कनेक्शन जो पहले यूज किया जाता था, जिसके अंदर एक प्रॉपर एक टेलीफोन लाइन जो है एस्टैब्लिश की जाती थी, आपके घर में एक टेलीफोन लगवाया जाता था और वो एक जो है डायल करता था कनेक्शन, उसके बेसिस पर आप जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। फिर ब्रॉडबैंड जो आपका फिर से जो है वायर्स के थ्रू जो है ब्रॉडबैंड लाइन्स के थ्रू टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है आपका इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। ये आपका DSL आ जाता है यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो दो जो वायर्स हैं उसका इस्तेमाल करके आपके घर में इंटरनेट को डिलीवर करते हैं। फिर केबल आ जाता है, फिर सैटेलाइट आ जाता है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन है कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया आपका ऑडियो विजुअल एनिमेशन इस तरह की चीजें होती हैं, आपके ग्राफिक्स हो गए, जैसे इस वक्त मान लीजिए मैं कोई यहाँ पर यूट्यूब चला दूँ तो वो एक मल्टीमीडिया है, एक गाने बजा दूँ तो वो मल्टीमीडिया है, तो उस तरह की चीजें जो है मल्टीमीडिया बन जाती है। एजुकेशन के अंदर मल्टीमीडिया का आजकल किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे आप हैं इस वक्त ऑडियो विजुअल ले रहे हैं, यहाँ से PDF पे देख रहे हैं और वहां से मेरी वीडियो भी देख पा रहे हैं, मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अपनी मल्टीमीडिया का पार्ट बन जाती है, और एजुकेशन के अंदर उसका जो इस्तेमाल क्या है वो बन जाता है। तो एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट आपकी मूवीज हो गए, गाने हो गए, वो सब चीजें हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखे होंगे प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर अलग अलग ग्राफिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे रहते हैं। गिफ्ट जो है आजकल वो आ चुकी है, वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट जो आपके इस तरह से आपके लग जाते हैं और आपको कहीं आपके कहीं और होने का जो है एहसास आपको कराते हैं, तो वो वर्चुअल रियलिटी होगी। उसके बाद कियोस्क डिस्प्लेस हो गए, कियोस्क डिस्प्लेस होते हैं आपके जिस तरह ये ATM मशीन्स, अगर आपने टच पैड देखी है कहीं ICICI बैंक की जो ATM मशीन्स हैं उस तरह की जो है वो टच स्क्रीन होती हैं, तो उस तरह की जो है चीजें हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। म्यूजियम्स में, ट्रेड शोज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स उसमें यहाँ पर बन जाता है। तो ये भी आपका एक तरह से जो है नेटवर्किंग जो है इंटरनेट जो है वो हमने थोड़ा और डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने खड़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। उसके जो आता है हमें सॉफ्टवेयर की टाइप्स जो हमने करी थी, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर से आप कंप्यूटर के प्रोग्राम बना सकते हैं वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके C++, JavaScript, आपके SQL वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। वन मोस्ट कॉमनली नोन एंड पॉपुलरली फॉर्म ऑफ दिस कमिंग फॉर्म ऑफ टूल दैट असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जैसे एंड्रॉइड है, उसकी कोई ऐप बनानी है तो आप जावा से स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। विंडोज जो है वो C++ में बनाई जाती है। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आती है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था आपको, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो डिवाइसेज लगे हैं उनके ड्राइवर्स जो है वो सारी चीजें अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाती है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था आपको, जो यूजर्स के हिसाब से, यूजर अपनी नीड के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता रहता है। जैसे एज डाल रखा है मैंने इस वक्त PDFs के लिए, लेकिन मुझे जब नॉर्मली गूगल वगैरह सर्च करना होता है तो मैं क्रोम या फायरफॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ। और वर्ड है जब मेरे को कोई टेक्स्ट लिखना होता है, एक्सेल है जब मुझे कोई डाटा मेंटेन करना होता है। तो उसके अलावा जो है अदर सॉफ्टवेयर टाइप वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स जो प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह से
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर बताया गया है, तो ये है बिजनेस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डेटाबेसेस, डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग, इस तरह से स्प्रेडशीट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। वही मैंने बताया जो यूजर की नीड के हिसाब से यूजर अपने कंप्यूटर में टाइम टू टाइम इंस्टॉल करता रहता है। कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई मैथमेटिशियन है या स्टैटिस्टिशियन है तो उसको मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई जो है अपना कंप्यूटर गेम्स बनाता है जैसे अपनी जो अनरियल इंजन 5 है, अनरियल इंजन 6 है, उस तरह की जो है चीजें वो सॉफ्टवेयर जो है वो वीडियो गेम्स बनाने के लिए डेवलप करे गए थे। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे फिल्मोरा है, वंडरशेयर फिल्मोरा हो गया आपका, एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया आपका, फाइनल कट प्रो हो गया, उस तरह के जो सॉफ्टवेयर है अगर आप वीडियो एडिटिंग में है, आप वीडियोस बनाते हैं तो उस तरह के सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल करते हैं। फिर टेली कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जो आपके रिलायंस जियो वगैरह है वो टेली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वांटम केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हो गए, या क्वांटम फिजिक्स जो है, अप्लाइड फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स है, उनको स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गए आपके जो एजुकेशन के पर्पज से बनाए गए हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी अपनी ऐप है तो वो एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि वो वहां पर अपनी जो है एजुकेशन जो कोर्सेज हैं वो वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, उस तरह की चीजें यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जैसे आपकी विंडोज है, मैक ओएस है, जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं अपने हार्डवेयर को यूज करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोसीजर दैट एनेबल पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल टू शेयर अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन सफिशिएंटली। तो जो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है और वो लैपटॉप में अगर विंडोज नहीं है तो वो लैपटॉप मेरे जो है टेक्निकली किसी काम का नहीं है, तो मेरे को अगर उस लैपटॉप का हार्डवेयर जो है वो इस्तेमाल करना है, मुझे उसकी डिस्प्ले पे कुछ देखना है, मुझे उसके कीबोर्ड से कुछ लिखना है, तो उसके लिए जो एक इंटरफेस जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा विंडोज या जो भी मैक ओएस है उनके द्वारा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वहां पर आ जाते हैं। ये विंडोज आ गई हमारी, ये पुरानी पुरानी विंडोज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, और आपकी मैक ओएस है और आईओएस वगैरह है, एंड्रॉइड भी है, ये भी सब भी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। उसके बाद यूजर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, तो ये आपस में जो है सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। यूजर एप्लीकेशन यूज करता है, एप्लीकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है अपने आप को इंस्टॉल करने के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को यूज करता है खुद को चलाने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो ये आप देख सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सब चीजों को जो है मैनेज कर रहा है, वही चीजें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, शेयरिंग, कंकरेंसी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज और नॉन डेटर, इस तरह से ये फैमिली दी गई है, जिस तरह आपको दी गई है विंडोज 2.0, इस तरह से जो है ये सारी फैमिली जो आपको प्रोवाइड की गई है, मैक ओएस वगैरह, ये आपको मालूम ही आजकल जो चल रहा है वो सब चीजें। ये फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं, जॉब मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, वर्चुअल स्टोरेज मैनेजमेंट, ये चीजें हमने जो है कल अपनी जो डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आती है हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, इसमें भी जो है आप एक बार इन पर नजर मार लीजिएगा, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, इस तरह की जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। जैसे विंडोज जो है वो सिंगल यूजर भी है और मल्टी यूजर भी है, अगर आप उसको सर्वर पर इंस्टॉल कर देंगे तो वो मल्टी यूजर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जैसे मैं इंडिविजुअली यूज कर रहा हूँ तो एक सिंगल यूजर हो जाती है। उस तरह की चीजें जो है मल्टी यूजर, जैसे यूनिक्स, वीएमएस वगैरह, ये जो एग्जांपल्स कुछ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ये हमें एक बार पढ़ना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर देखिए, नॉर्मली भी मैं आपको कोई चीज कैसे समझा सकता हूँ लैंग्वेज के द्वारा, मैं जब तक कुछ बोलूंगा ही नहीं आपको कोई चीज कैसे समझ में आएगी। तो वही चीज है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी हो, लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम बनता है। बिना लैंग्वेज के मैं आपसे कोई चीज जो है कम्युनिकेट बेशक कर लूंगा, लेकिन वो जो है उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी। मान लीजिए मैं सिर्फ स्क्रीन पर ऐसे मार्किंग करते चल रहा हूं तो आपको हो सकता है 1% 2% या कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे मैं इनको साथ साथ डीकोड कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप वो चीजें जो है अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एग्जैक्टली वही चीज होती है, आपका जो कंप्यूटर है वो जो लैंग्वेज यूज करता है एक दूसरे से इंटरनली अपने प्रोग्राम्स, अपने एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करने में, वो लैंग्वेज जो है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक नोटेशन बाय विच वी डिस्क्राइब कंप्यूटेशनल प्रोसेस। मैंने बताया जिस तरह आपका जो कंप्यूटर है वो अपने हार्डवेयर के साथ किस तरह या अपनी एप्लीकेशंस के साथ इंटरनली या बैकग्राउंड में कम्युनिकेट कर रहा है, ऑर्डर्स उसको पास कर रहा है। मान लीजिए मैंने ये ऑर्डर दे दिया, हाईलाइट कर दे लाइन, तो वो जो चीजें हैं बैकग्राउंड में, तो ये एक लैंग्वेज के द्वारा ही की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जनरेशंस दी गई हैं, तो सबसे पहली जो जनरेशन थी वो उसको नाम दिया गया था हमारी मशीन लैंग्वेज। हम मशीन को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं तो उसको बेसिकली जो नाम दे दिया गया वो मशीन लैंग्वेज का ही दे दिया गया। उसके बाद आती है हमारी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज जो आती है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड यानी हाई लेवल लैंग्वेज, और जो फोर्थ जनरेशन थी वो है
फोर्थ जनरेशन या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, और अब फिफ्थ जनरेशन है वो नेचुरल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल की जा रही है, जिसके अंदर जो एक डिफरेंस है मेरी इंटेलिजेंस में और मेरे कंप्यूटर के इंटेलिजेंस में, वो जो डिफरेंस है वो कम से कम करने की कोशिश की जा रही है कि आपका जो डे टू डे रूटीन वर्क है वो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी कर पाए, वो उतनी लॉजिकली सोच पाए जितना लॉजिकली एक आम इंसान सोच सकता है। तो वही चीजें यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज बन जाती हैं। इस तरह से हम जो है इनको एक एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर, यानी जीरो और वन के फॉर्म में जो है लैंग्वेज जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो आपस में जीरोज एंड वंस में ही कम्युनिकेट करता है। मशीन लैंग्वेज वुड हैव टू पार्ट, तो दो पार्ट होते हैं इसके। द फर्स्ट पार्ट इज द कमांड और एन ऑपरेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट फंक्शन आर टू बी परफॉर्म, जैसे कि इस वक्त हाईलाइट करना एक मैं कमांड जो है वो या ऑपरेशन है, ये कंप्यूटर को बताया जा रहा है क्या कि जो है हाईलाइट करना है इस लाइन को। द सेकंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज द ऑपरेंड दैट टेल्स द कंप्यूटर वेयर टू फाइंड और स्टोर द डाटा ऑन विच द डिजायर्ड ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, तो जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि वो कहां है एग्जैक्टली जो माउस का कर्सर है, वो मैथमेटिकल जो प्रिसीजन का काम है वो सेकंड पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में इंस्ट्रक्शन दी जाती है ये काम करना है, सेकंड पार्ट में ये बताया जाता है कि कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है और रिजल्ट क्या आएगा उसका, वो चीज। द मशीन लैंग्वेज इज द ओनली वन दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, तो जीरोज और वंस जो है बाइनरी जिनको बोलते हैं वही है कंप्यूटर जिसको वो अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आती है, टू ईज द बर्डन ऑफ द प्रोग्रामर निमोनिक ऑपरेशन कोड एंड सिंबॉलिक एड्रेस वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द अर्ली 1950s। निमोनिक का मतलब होता है कुछ ऐसे शॉर्ट मेमोरी बना देना, जैसे यूएसए को हम शॉर्ट में बोल देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम शॉर्ट में बोल देते हैं यूएसए। इस तरह के निमोनिक्स मतलब आपको याद रखे जा सके उस तरह की चीजें जो है छोटी छोटी बना दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए असेंबली लैंग्वेज है उसको मैं AL कह दूं तो ये अपने आप में एक निमोनिक बन जाएगा। निमोनिक रेफर्स हुआ मेमोरी एड, बिल्कुल याद करने का तरीका जो है किसी चीज को, वो चाहे छोटा बना के हो चाहे उसको स्टोरी बना के हो, कैसे भी हो वो आपका निमोनिक बन जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप फॉर इंप्रूविंग द प्रोग्रामिंग प्रोग्राम प्रिपरेशन प्रोसेस वाज टू सब्स्टिट्यूट लेटर सिंबल एंड निमोनिक्स, तो ये जो है पहले जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो बड़ी एक एक कमांड जो है बहुत लंबी लंबी लेंथ थी जो कमांड्स होते थे उसमें देना पड़ता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर इस चीज को जो है एड्रेस किया गया कि भाई एक लाइन जो है वो अगर मान लीजिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं या किसी इस तरह से लिख दूं कि वो फंक्शन उतना ही कर ले, लेकिन मेरे को जो मेहनत है मेरे को जो लेटर्स टाइप करने पड़ रहे हैं वो पहले से कम करने पड़े, तो उस तरह की चीजें जो है। तो मशीन लैंग्वेज इज स्टिल यूज्ड इन बाय कंप्यूटर एज इट प्रोसेस डाटा, बट असेंबली लैंग्वेज सॉफ्टवेयर फर्स्ट ट्रांसलेट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन कोड सिंबल इनटू इट्स मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब है जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो ये काम करती है कि जो इंस्ट्रक्शंस को है उनको प्रोग्रामर के सिंप्लीफाई कर देती है, और जब प्रोग्राम उस सिंप्लीफाइड भाषा में जो है अपने कोड्स एंटर करता है तो मशीन लैंग्वेज उन कोड्स को फिर से जो है जीरोस एंड वंस यानी बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके। तो एक तरह से इंटरमीडिएट बन गया है कि इधर से प्रोग्रामर आसान लैंग्वेज यूज कर सके, उधर से कंप्यूटर जो है वो अपना उस लैंग्वेज को फिर से कन्वर्टेड वैल्यू में समझ सके। अ प्रोग्राम रिटन बाय अ प्रोग्रामर इन एन असेंबली लैंग्वेज इसका सोर्स प्रोग्राम, तो जो सोर्स प्रोग्राम है जो जिसको सोर्स कोड भी कहते हैं वो जो है वो प्रोग्रामर जब अपना असेंबली लैंग्वेज में लिखता है तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। आफ्टर दिस सोर्स प्रोग्राम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय एन असेंबलर इट इज रेफर्ड टू एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो जब असेंबलर के द्वारा वो जो आपकी प्रोग्राम जो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड जो डेवलपर ने लिखा है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जीरोज एंड वंस के अंदर, उसको जो नाम दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा। उसके बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिक टेक्निक एंड मैक्रो इंस्ट्रक्शन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज दैट आर ऑफन ओरिएंटेड टुवर्ड अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रॉब्लम, तो जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करना है उसको सॉल्व करना है तो वहां पर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा वो वहां पर हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। अनलाइक असेंबली प्रोग्राम HLL प्रोग्राम में बी यूज्ड विद डिफरेंट मेक्स ऑफ कंप्यूटर विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन, तो जो हाई लेवल प्रोग्राम है जैसे आपका एंड्रॉइड सिस्टम है विंडोज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है, क्यों, क्योंकि देखिए विंडोज किसी एक इंसान को यूज नहीं करनी है, 7 बिलियन जो है 700 करोड़ के अराउंड यहां पर जनता है, 700 करोड़ लोगों के पास मान लें अगर कंप्यूटर्स हैं तो 700 करोड़ लोगों के लिए जो है अलग अलग प्रोग्राम्स बनाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, तो जो जितने भी मोस्टली आजकल के प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी डिपेंडिंग की स्पेसिफिकेशन किस चीज की क्या है, आपके किसी फोन के अंदर मान लीजिए 48 मेगापिक्सल कैमरा है, किसी के अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, तो कोड में बिल्कुल माइनर एक चेंज करना पड़ता है, बाकी सोर्स जो कोड है वो सेम रहता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सबके अंदर एक साथ रन किया जा सके, तो हाई लेवल लैंग्वेज का वही काम आजकल होता है। द टाइम एंड कॉस्ट क्रिएटिंग मशीन आर क्वाइट हाई, तो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स अगर मुझे लिखने हैं तो मैं उसके अंदर इतना टाइम वेस्ट करूंगा, इससे अच्छा मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख दूं जो सबके अंदर जो है चलाया जा सके, तो वही चीज जो है हाई लेवल लैंग्वेज के
की मदद से जो है पूरा पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपकी फोरट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो आपके फॉर्मूला जो टिपिकल एरिथमेटिक फॉर्मूलाज हैं उनको किस तरह से ट्रांसलेट करना है ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके और उनके ऊपर जो है कंप्यूटेशन आपको करके दे सके, जैसे डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, या आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या स्टेटिस्टिकल फंक्शन है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करवाना है, वो फोरट्रान का काम है। एल्गोल यानी कि आपका जो एल्गोरिदमिक फंक्शन है, वो जो एल्गोरिदम्स हैं यानी कि किस चीज को किस तरह से कंडक्ट करना है, वो चीजें जो है इस तरह एल्गोल के द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल एल्जेब्रिक लैंग्वेज यानी कि यही एल्गोल जो है वो बन गई थी, इसके अंदर जो है एल्जेब्रा के फंक्शन है, जो यूनिटरी एल्जेब्रा है उसके फंक्शन जो है इसके अंदर डाले गए थे। उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बन गई, जो आपकी ज्योमेट्री है, एंगल्स हैं वो, एंगुलर मूवमेंट्स हैं चीजों के, वो जो है कोगो के द्वारा किए जाते हैं इस तरह से है। उसके बाद कोबोल आ जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये फिर से वही चीजें जो है आपकी आ जाती है। कुछ लैंग्वेज के नाम दिए हुए हैं, आप इनके अंदर से कुछ पांच छह जो आपको याद हो सकते हो वो कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो है ये हेल्प करेंगे आपकी, आप एग्जाम्पल में यहां पर इनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। स्पेसिफिक जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें से आधी से ज्यादा लैंग्वेज अब यूज की भी नहीं जाती है। उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे सी प्लस प्लस है, स्मॉल टॉक है, ऑब्जेक्ट पास्कल है, क्लोस है, इस तरह की जो है हमें की जाती है। उसके बाद जो है फोर्थ लेवल, जो फोर्थ जनरेशन हमारी लैंग्वेज है यानी कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जो अपनी चल रही है आजकल, वो देखते हैं क्या है। सिंटैक्स यूज्ड इन फोर्थ जेन इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि जो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज जो है जैसे इंग्लिश है, तो बिल्कुल उसके नजदीक जो है वो लैंग्वेज हम कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हम कुछ भी एंटर करें, बैकग्राउंड में असेंबलर उसको जीरोज एंड वन में ही कन्वर्ट कर देगा, तो वो चीज है। हम चाहे उसके अंदर आप संस्कृत डाल दीजिए, लेकिन कंप्यूटर को समझने के लिए वो बैकग्राउंड में जो है उसको इमीडिएटली मिली सेकंड्स के हिसाब से जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर तभी उसको समझेगा, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद 5G लैंग्वेज होगी, जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, जो नेचुरल स्पोकन इंग्लिश है, उसके द्वारा जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम्स, यानी कि जो आजकल के आप रोबोट्स देख रहे हैं, आजकल के जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं, गूगल असिस्टेंट भी अगर आप मैं देखूं तो वो भी आजकल जो है काफी इंप्रूव पहले से हो गया है, और जो वो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतने अच्छे से मिमिक कर पाता है। इनफैक्ट मैंने देखा था, एक मेरे दोस्त के पास अमेज़न अलेक्सा था जो अमिताभ बच्चन की आवाज जो है वहां पर प्रोड्यूस कर पा रहा था, वो चीजें जो है। अब अमिताभ बच्चन जो है अपने वो एक एक जो कमांड्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं उसके अंदर, तो वो लेकिन वो जो उनकी वॉइस है उसका एक छोटा सैंपल लेकर जो है अमेज़न जो है उनकी आवाज को जो है परफेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ मिमिक कर पा रहा है, तो वो चीजें जो है आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आती है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल जो साउंड करे आपको, कि मैं ही जैसे एक इंसान ही आपसे बात कर रहा है, वो सब जो है यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, फिर से वही जिक्र जो है किया गया है। डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिल्कुल बेसिक था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी, टर्मिनल जैसा दिखता था, उसके अंदर कमांड जो है एंटर करते रहे, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चल रही है। ये एक्सप्लोरर है जो आप जिसके अंदर आप अपना फाइल मैनेज करते हैं, वो चीज होती है। ये आपका प्रिंट मैनेजर है जिसमें आप अपने प्रिंट कमांड जो है वो देते हैं, आप अपने प्रिंटर्स को आपने जो जो कमांड दिए हैं उसका सारा जो है डिटेल्स आपका प्रिंट मैनेजर में आ जाती है। आपका कंट्रोल पैनल है जिसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स के साथ जो है थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, तो ये आपका कंट्रोल पैनल जो है इस तरह से दिखता है, ये चीजें जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद ये पेंट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है ये उतनी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये बच्चों वाली चीज है, पता नहीं क्यों अब तक ये पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो आपका जैसे ये जो है इस वक्त मेरे सामने ये एक यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर मैं चीजें जो है समझ पा रहा हूँ और कर पा रहा हूं, तो ये यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर जो है अपने सॉफ्टवेयर और अपने हार्डवेयर के साथ इंटरफेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, तो वो जो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ वो खाली स्क्रीन पे नहीं कर सकता मैं, उसके लिए मुझे एक यूजर इंटरफेस चाहिए जो मुझे विंडोज प्रोवाइड करती है, वो चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। कमांड यूजर इंटरफेस आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, जो कमांड यूजर था मैंने बताया वो ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के जो है आप अपने कोड्स जो है वो लिख सकते थे, उससे जो है परफॉर्मेंस हो जाती थी। डॉस जो है वो इस तरह का यूज करते हैं, आजकल सारी विंडोज जो है GUI यूज करती है, यानी कि ग्राफिकल, जिसके अंदर आप अपनी जो है चीजों को कलरफुल वे में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। ये आपका विंडोज 7 का जो है डेस्कटॉप यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने और चीज़ों पर, यहाँ पर है ये कमांड यूजर इंटरफेस, वही चीज़ है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, इसके अंदर जो आपका कलरफुल हो जाता है चीज़ें, वो चीज़ ये आपकी लैंग्वेजेस हो गई हैं। उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है ये भी जो है फिनिश हो गया है। उसके बाद जो है हम अपनी जो आगे वाली चीज़ें हैं एक बार जो कल हमने छोड़ दी थी, डाटा कम्युनिकेशन मीडिया, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन मीडिया जो है, जो हमने अपने ये इससे पहले का जो टॉपिक है वो लैंडमैन मैन जो हमने अपने कल वाले उसमें डिस्कस कर लिया था लेक्चर में, वो थोड़ा और डिटेल जो है मेमोरी से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंडमैन मैन इनसे रिलेटेड और बाकी कितने तरह के जो है जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, उस तरह के जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ईमेल क्या होता है, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद ये चीज़ जो है डाटा कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है वो हम आज थोड़ा पढ़ लेते हैं।
ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पैथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो मान लीजिए दो चीज है, मान लीजिए हम नॉर्मल बात करें कि इंसानी भाषा में, तो एक राम है और एक श्याम है, तो वो आपस में जैसे बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है इनके जो बात करने का, वो क्या हो सकता है? वो हिंदी हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, या लैंग्वेज जिसको मैं कहूँ वो हो सकती है, तो वो साइन लैंग्वेज, कोई भी तरह की लैंग्वेज जिससे वो आपस में जो है बात कर सके। ट्रांसमिशन मीडिया जो मीडियम है वो भी एक फिजिकल पाथ होता है, और कंप्यूटर की भाषा में वो पाथ जो है वो वोकल ना होकर वो जो है लाइन्स के थ्रू होता है, केबल्स के थ्रू जो होता है, टेलीफोन लाइन्स होगी आपकी, ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स होगी, उसके थ्रू किया जाता है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है एक दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता, इंसान कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, नेटवर्किंग के लिए जो है वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो तारे हैं वो यूज की जाती हैं। तो हमारे पास दो तरह के जो है ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो होता है जो यूजर्स की नीड के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, और जिस चीज को जो जरूरत है वो उसी को प्रोवाइड की जा सकती है। आजकल हम ज्यादातर जो चीजें देखते हैं वो आता है गाइडेड मीडिया से, हमारा टेलीविजन है, हमारा कंप्यूटर है, यूट्यूब है, वो सब जो है गाइडेड मीडिया है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली जो है एक टारगेट को जो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जैसे यूट्यूब है, आपको एंटरटेनमेंट करना है, आप एंटरटेनमेंट कीजिए, आपको न्यूज देखनी है, न्यूज देखिए, तरह की चीजें हैं, वही गाइडेड मीडिया है, वो रेगुलेटेड है, वो कहीं ना कहीं से जो है प्रॉपरली उसको कुछ बंदे बैठकर जो है वहां पर रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल पे न्यूज चैनल वाले बैठे हैं, एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट वाले बैठे हैं, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी वाले बैठे हैं, इस तरह से जो है वो प्रॉपरली जो है रेगुलेट किया जाता है, वो मीडिया हमारा गाइडेड मीडिया बन जाता है। और इसको करने के लिए जो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रिप लाइन और माइक्रो स्ट्रिप लाइन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वही आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जो आपकी तारे हैं, अलग अलग तरह की तारे जो है वो यूज की जाती हैं। तो इसके फीचर्स हैं, हाई स्पीड है, सिक्योर्ड है, और कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अनगाइडेड मीडिया है हमारा स्पेस, जो स्पेस से हमें कहीं से भी जो है कभी कभार रेलिवेंट, कभी कभार इरेलीवेंट, उस तरह की इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती है वो है, वो चीजें हमारी स्पेस में आ जाती है। यहाँ पर जो है वायर्स को जो है डिफाइन किया गया है, टू सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर होते हैं, और उनको जो है एक नॉर्मल जो वायर आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं वही। कोएक्सियल केबल आउटर प्लास्टिक कवरिंग होती है, दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं, और उसके ऊपर इंडिविजुअल जो है प्रोटेक्शन लेयर होती है। जैसे ये ईयरफोन की तार अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ट्विस्टेड पेयर केबल है, और अगर मान लीजिए कोई और जो मोटी है जिसका जो हाई करंट सप्लाई करती है, उसके अंदर कोएक्सियल केबल है, यानी कि एक आउटर कवरिंग के नीचे जो तारे हैं उन तारों की भी इंडिविजुअल जो है कवरिंग की गई है, ताकि वो आपस में जो है जैसे रेड ग्रीन और जो आपकी जो लाइव वायर होती है, ग्राउंड वायर होती है, और ब्लू वायर होती है, वो आप देखेंगे कि एक मोटी तार के अंदर अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उनके इंडिविजुअली के ऊपर भी कवरिंग की गई होती है, तो वही है सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। उसके बाद आते हैं अनगाइडेड मीडिया, तो वायरलेस हो गया, अनबाउंड ट्रांसमिशन हो गया, तो जिनका कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता, एयर के थ्रू जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लेस सिक्योर होता है, और लार्ज डिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर रेडियो वेव्स आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई, और जो अपना है यही दो चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। इंफ्रारेड भी आ जाते हैं, गामा वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो सब चीजें हैं आपके इसके अंदर जो है, दो ही चीज गई है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आप देख लीजिएगा, 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और जो माइक्रोवेव है उसकी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो आज जो है हमने कुछ नया सिर्फ इतना ही किया, लेकिन जो पुराने कुछ टॉपिक्स थे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, और आपके जो मेमोरी की टाइप्स हैं उनकी हायरार्की है, और कौन सी चीज कितनी फास्ट होगी और कौन कितनी महंगी होगी, उन चीजों को आज थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ने की कोशिश करी है। अगर आप मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे तो उसके अंदर जो है एक ओवरव्यू टाइप आपको दे रखा है, और अगर आप इस लेक्चर को भी उसके साथ देख लेंगे तो आपको एक डिटेल्ड जो है एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आ रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।